हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाल फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, आज है मंडे का दिन और आधा दिन तो चला गया। दोपहर के जो है 2 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ स्कूल से और गुड्डू भी आ गया। चिंटू भी आया नहीं है, वो भी आता होगा। तो जी, वही है, स्कूल से आके जो काम सुबह हो गया था और जो रह गया था वो काम मैं अब करूँगी शुरू, क्योंकि गुड्डू के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो गुड्डू तो आ जाते हैं जल्दी, तब गुड्डू को भी दूंगी लंच वगैरह, क्योंकि सुबह लंच लेके नहीं गई और ना ही खा के गई, बस ब्रेकफास्ट करके चली गई थी। तो अब मैं इसको खाना देती हूँ और फिर किचन का जो काम बच रहा है वो मैं करूँगी पूरा। तो किचन का काम क्या, तो कल जो है मुझे मलाई बिलोनी थी लेकिन कल मैं नहीं बिलो पाई, तो आज सर मलाई को ब्लेंडर से बिलो के आज जो है मक्खन निकालूंगी, फिर आज घी बनाऊंगी। अब लगती हूँ अपने किचन के काम में। ये आज सुबह बनाया मैंने पालक पनीर की सब्ज़ी, तो गुड्डू के लिए फटाफट गरम कर देती हूँ पालक पनीर की सब्ज़ी। ये खाना डाल दिया मैंने गुड्डू के लिए और इधर मेरा बेटा चिंटू भी आ गया है स्कूल से। आ गया बेटा चिंटू, गुड आफ्टरनून बेटा। ये लो गुड्डू, खाना खा लो। अब चिंटू बदलेगा अपने कपड़े उपड़े, फिर हाथ मुँह धो के बैठेगा, इसको भी लंच दूंगी। लंच में पता नहीं है यही खाना खाएगा या कुछ और बनवाएगा। लाओ बेटा अपने लंच बॉक्स और निकाल के उसे रख देती हूँ किचन में। मैं अब करने लगी हूँ शाम की सब्जी की तैयारी। तो ये मटर रखी थी, मटर छीलने लगी हूँ फटाफट। और किचन में जो है शकरकंदी उबलने के लिए रखी हुई है, वो बच्चे खा लेंगे अब शाम के टाइम, उनके पापा खा लेंगे। ये शकरकंदी बुनने लगी है, बुनी गई है, बस इन्हें चेक करती हूँ। बिल्कुल सही गल गई है, अब मैं इनकी चाट बना कर दे देती हूँ बच्चों को। बिल्कुल गल गई हैं, थोड़ी सी कमी रहेगी तो गलती रहेगी, और एक ही बिल्कुल अच्छे से गल गया, तो इसकी मैं छील काट के चाट बना देती हूँ। ये जी, अब शाम का समय हो गया है, तो चिंटू भी आ गया है ट्यूशन से, तो उसे भी नाश्ता वगैरह करा के अब जो मलाई रखी थी तो उसको बिलो लेती हूँ। तो कर दिए वैसे तो शुरुआत मैंने, क्योंकि इसको मक्खन निकालने में टाइम लगता है। ये देखिए, अब मैं इस मक्खन को निकाल के और फिर इसका घी बना लेती हूँ। ये मक्खन हो गया बन के तैयार, अब इसका घी बनाने के लिए इसे गैस पर रख देती हूँ। निकल तो गया मक्खन इसमें, वरना ही लग रहा था, पता नहीं कितनी देर चलाना पड़ेगा ये। फटाफट गैस ऑन कर रखती हूँ। ये मैं आ गई हूँ इस कमरे में, तो जो कल कपड़े धोए थे तो उनका ढेर लगा हुआ है, तो इनकी तय नहीं करी, तो अब करती हूँ इनकी तय लगाती हूँ, शुरू करती हूँ। काफ़ी सारे कपड़े धोए थे, तो देखिए तो इन सब के अब लगाने लगती हूँ तय। ये अब सभी कपड़ों की जो है तय कर कर के रख दिया, और गुड्डू अपनी अलमारी में अपने कपड़े रख रही है। अब ये सारे कपड़े जो है उठा उठा के सबके अलमारी में रखे जाएंगे। ये घी बन के हो गया तैयार, मैं सब कर देती हूँ गैस बंद, और ये ठंड हो जाएगा तो इसको छान लूंगी मैं। चिंटू आ गया एक्सरसाइज करके। बेटा दौड़ लगाया या थक गया? देखिए जी, अब हम जो है तैयार हो गए हैं, तो अब हमें एक वेडिंग में जाना है, तो बच्चे भी रेडी हो रहे हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो
तो अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं शादी के लिए। चलो बच्चों जल्दी से तैयार होके फटाफट चलते हैं। और चलो ये चलती है अब हम गाड़ी की तरफ, गाड़ी में बैठ जाएंगे। ये बैठने लगे हैं गाड़ी में, अब मैं भी बैठ जाती हूँ। चल के ये अब गाड़ी चल दी है, स्टार्ट हो गई है गाड़ी। अब रास्ते में हम, ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है पर पैदल का भी रास्ता नहीं है तो यह 10 मिनट का तो टाइम लग ही जाएगा। तो हम आपसे फिर वहीं मिलेंगे शादी में।
ये बारात भी आ गई है। पहुंच गए हैं हम घर, गाड़ी खड़ी कर दी है, अब उतर के गाड़ी में से चलते हैं घर की तरफ। चले बच्चों, चलो घर। आ गए जी अब घर, रख दिया मिठाई का डब्बा। तो जी अब शादी से घर आ गए हैं, शादी में बहुत मजा आया, बच्चों को भी काफी एंटरटेनमेंट था। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही, यदि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।